हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल के एनालिसिस। उम्मीद है आज आप लोगों को हेल्प हुआ होगा। जिस समय मार्केट पूरा ग्रीन ग्रीन था, उस समय हमने आपको क्लियर कट जो इंडिकेट किया था कि अपर लेवल पे बाई नहीं करेंगे और यहाँ पे हमारा सेल का जो है व्यू होगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाजार ने जो है परफॉर्मेंस दिखाई। हालांकि कंसर्न एक ही था दोस्तों आज के लिए मेरा कि मार्केट इतना गिरा लेकिन जो पुट की प्रीमियम थी उस हिसाब से इजाफा हुआ नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा घोड़े की जो डायरेक्शन है वो पहले चेंज करने की कोशिश में हूं कि कहीं से भी कोई अगर इंडिकेशन मिले। इसलिए दोस्तों हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि मार्केट कहीं से भी शार्प जो है रिवर्सल दिखा सकता है, और अगर नहीं दिखाया तब जाके मार्केट में पुट की प्रीमियम बढ़ती हुई नजर आएगी। आई होप आप सबने भी गौर फरमाया होगा इस चीज पे। नहीं अगर फरमाया होगा तो जरूर एक बार चेक कीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समरी की। तो क्लाइंट यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया है, कॉल पे भी लॉन्ग किया, पुट पे सेलिंग की, स्टॉक फ्यूचर पे सेल किया। FII की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे भी सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल, कॉल पे सेल है, पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है। DI की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल। तो प्रो ने यहाँ पे बेरिश काम किया, उसका रिफ्लेक्शन आप मार्केट में देख सकते हैं। FII हेज के साथ सेल किए और क्लाइंट ने बुलिश पोजीशन बनाई जिसका आप रिजल्ट जो है सामने देख रहे हैं कि इनको लॉसेज जो हुए हैं। अब आइए हम चलते हैं दोस्तों होल्डिंग के डेटा पे। होल्डिंग के डेटा की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें एक जानकारी के लिए कि टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अभी टेलीग्राम की जो बैक मैसेज थे, प्रीवियस हिस्ट्री जो थी, वो सारी क्लियर की गई है आप लोगों को इन्फॉर्म करके, तो थोड़ा सा इसको एक्नोलेज कीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर की। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 64,000 जो है लॉन्ग है, DI के पास 16,000 का जो है शॉर्ट सेल है, FII के पास 34,000 का शॉर्ट है, प्रो के पास 12,000 का शॉर्ट ओपन है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 2 लाख क्वांटिटी लॉन्ग है, FII के पास 1,400 केवल क्वांटिटी लॉन्ग है, प्रो के पास 2 लाख के क्वांटिटी शॉर्ट सेल है। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 346 पुट सेल है, DI के पास 42,000 जो है लॉन्ग है, FII के पास 70,000 जो है पुट लॉन्ग है और प्रो के पास 2,33,000 जो है पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 16 लाख लॉन्ग, DI के पास 21 लाख दोस्तों शॉर्ट सेल है, FII के पास 122 दोस्तों लॉन्ग है और प्रो के पास 328 जो है यहाँ पे लॉन्ग है। तो एफेंडो डेटा पे काफी सारा डेटा यहाँ पे जो है चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रो डेफिनेटली एक बेरिश पोजीशन बना के चल रहे हैं और क्लाइंट हमारे बुलिश पोजीशन की तरफ मुड़े हैं और FII की पोजीशन जो हैज है, बट हम इस डेटा को डिकोड करेंगे और एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि किसके पास कितना शॉर्ट एंड लॉन्ग है। उसके पहले बता दें कि FII ने बैक टू बैक कैश में दोस्तों 3 दिन जो है बाइंग की है। हालांकि लास्ट बाइंग 7,000 शेयर की नहीं थी जो कि मैंने बताया था, बट आज भी जो है अच्छी खासी उन्होंने बाइंग की है। तो दोस्तों इसलिए जब FII जब बाई करते हैं ना तो थोड़ा शॉर्ट में दोस्तों रिस्क ओपन होता है। अगर रिस्क कैसा होता है कि प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ती है तो प्रॉबली जो है एक्सपायरी के दिन एक रिवर्सल मूव जो बनना चाहिए। तो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होगी वो काफी इंटरेस्टिंग होगी, फोकस कीजिएगा। आइदर साइड एक बड़ी मूव मिल सकती है, अगर अपसाइड की मूव आएगी तो 1,000 पॉइंट तक की मूव कन्फर्म जो है आपको मिल जाएगा। और अभी बैंक निफ्टी वैसे भी 500+ पॉइंट की मूव देगा बिकॉज ईयर का हाइएस्ट वाई होल्ड करके चल रहा है। अब आइए हम डेटा को जो है डिकोड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लाइंट से, देखते हैं कि क्लाइंट के पास क्या जो यहाँ पे डेटा जो है। तो क्लाइंट के पास देखिए 64,000 का जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद 2 लाख जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है और 346 जो है यहाँ पे पुट भी सेल है। सो टोटल इनका MTM हो जाएगा 6,18,000 दोस्तों यहाँ पे क्लाइंट के पास लॉन्ग पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों FII की। तो FII के पास देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 34,000 का यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर सेल है, इसके बाद 1,433 कॉल जो है लॉन्ग है और इसके बाद 70,000 जो है पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल इनका MTM हो जाएगा 1,04 सेल, 1 लाख के करीब इनके पास सेल क्वांटिटी है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 12,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर की सेलिंग है, 2 लाख की दोस्तों कॉल सेल है और 233 दोस्तों पुट लॉन्ग है। सो टोटल इनका एमटम हो जाएगा 4,55,000 इनके पास सेल है, यानी कि तकरीबन 4.50 लाख की क्वांटिटी इनके पास शॉर्ट सेल है, FII के पास 1 लाख की क्वांटिटी सेल है और क्लाइंट के पास 6 लाख की क्वांटिटी लॉन्ग है। तो
एक तो क्लियर है कि यहाँ पे बड़े जो ट्रेडर हैं वो शेल पोजीशन बना के चल रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने आज प्रॉफिट जो है लिए होंगे, बट जो डिजायर जो फॉल थी वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब ये फॉल आगे कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी वो फर्दर लेवल हमें इंडिकेट करेंगे, बिकॉज ये जो फॉल था ये हमने बहुत पहले जो है एनालाइज करके दे दिया था और क्लियरली मेंशन भी किया था कि यहाँ पे हम डाउन साइड की तरफ जा रहे हैं और गिरावट जो है आएगी, लॉन्ग तो नहीं करना है, एटलीस्ट इतना क्लियर बोला था। तो अब अगर इन केस कल फॉल मिलती भी है तो आप मॉर्निंग सेशन में कीजिए या थोड़ा सा कॉशियस के साथ कीजिए, लेकिन सेकंड सेशन से रिवर्सल की तरफ जो है जरूर देखिएगा। वैसे तो ओपनिंग बता देगा, एक बार ओपन और लो ओपन और हाई जरूर एक बार कल का चेक कर लीजिएगा, स्पेशली अगर गैप डाउन होता है तो। इन दैट केस गैप डाउन की सिचुएशन अगर बनती है तो मे बी ओपन लो बराबर करके खुलेगा, और अगर ओपन लो बराबर करके खुलता है तो सार्प बाइंग और रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों चीज़ें चेक कीजिएगा बिफोर एनी फ्रेश ट्रेड, एंड आई होप कि आपकी हेल्प हुई होगी। अब हम अगेन वही लेवल शेयर करते हैं ताकि आपको फिर से हेल्प मिले। तो देखिए जो रेजिस्टेंस है वो 22485 के करीब है और सपोर्ट 22255 के करीब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर से मार्केट ट्रेड कर रहा है। यहाँ से नीचे एक ऐसे लेवल है जहाँ पे बियर पावर में आ जाएंगे, और जो कि 22200 है बड़ा लेवल, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट नीचे ऑलरेडी मैंने रेखा जो है ड्रॉ कर दी है। तो अगर इन केस आप डायरेक्टली इस लेवल के आसपास खुलते हैं और होल्ड करते हैं तो यहाँ पे सेल के लिए मत सोचिए, बल्कि प्रीफर कीजिए बाई के लिए, ज़्यादा बेहतरीन वे होंगे। लेकिन जब भी आपको रिवर्सल ट्रेड लेना होता है, कॉन्ट्रा लेना होता है, तो मेक श्योर डैट कि वहाँ पे प्रॉपर टाइम दे के, ऐसा नहीं कि गिर रहा उसी में जो है आप एंट्री कर ले बाई करके और फिर आप ट्रैप हो जाएंगे, थोड़ा भी नीचे वीचे जाएगा काट देंगे, बाद में रिवर्सल ले लेगा। तो मेक श्योर डैट कि कोई अच्छी सी ग्रीन कैंडल रिवर्सल कैंडल बने उसके बाद बाई कीजिए, अदरवाइज अगर कोई गैप डाउन ना हो सिर्फ यहीं से शुरुआत हो तो यहाँ से जो है एक अच्छा लेवल है। अगर कोई भी यहाँ से कोई लॉस नहीं होता, मतलब यहाँ से ज़्यादा गिरावट नहीं होती है और पलट के 435 ब्रेक करता है तो समझिएगा कि ले लिया रिवर्सल, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज 22300 भी एक मेक एंड ब्रेक लेवल है फर्दर 100 पॉइंट के लिए, और अगेन 100 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अवेलेबल है। तो यही दोनों सपोर्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा। कल का क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, अगर 22200 ब्रेक करके मार्केट बंद होगा तो थोड़ा सा आगे का जो रिस्क है वो बढ़ सकता है और फिर फॉल जो है थोड़ी सी आगे जो एक्सटेंड हो सकती है, अदरवाइज हमें रिवर्सल कल मिल जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 47895 का है और सपोर्ट जो है 46930 का है। हालांकि सिंथेटिक फ्यूचर जो है ज़्यादा गिरे लेकिन अपना निफ्टी उस हिसाब से नहीं गिरा, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहा था कि निफ्टी इंटरेस्टेड नहीं, निफ्टी गिरने के लिए डिनाई कर रहा है, तो इसलिए हम लोअर लेवल पर जाके कभी सेल नहीं करेंगे। तो ये जो रेखा मैंने ड्रॉ की हुई थी एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि आप यहीं पे आ चुके हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से हमने सेल देना शुरू किया था। क्लियरली 48,000 के ऊपर नहीं जाएगा तो हमारा क्लियर जो है स्लोगन था कि हम यहाँ पे सेल जो है करेंगे, और आप देख सकते हैं कि अभी आप 48,000 से कहाँ की तरफ मूव किए हैं। जो भी 200-250 पॉइंट जितने भी आपने निकाले आपकी है, हमारी कोई यहाँ पे कोट नहीं कि नहीं हमने आपको सेल दिया, दिस इज़ योर इफर्ट जो भी आपने लिया हो। अब हमें ज़रूरत है आने वाले लेवल की, तो पहला जो इमिडिएटली लेवल आ रहा है बैंक निफ्टी में 47,000 आ रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड चल सकती है जो कि SBI का है, कल SBI को टाइम दिया गया है, कल SBI अपने इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड होते हैं जिनके थ्रू पैसे आए हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी देनी है एज पर सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए जानकारी कैसी बाहर आती है तो इसका एक इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिखाई दे सकता है। अच्छी जानकारी आई तो ऊपर, अगर ख़राब आई तो नीचे। तो बैंक निफ्टी कंप्लीट जो रिएक्शन हो सकता है कि SBI के ऊपर करे, या हो सकता है कि उसने एडवांस में उसके ऊपर ही रिएक्शन दिया हो, तो कल SBI के ऊपर आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए। रेस्ट जो इम्पॉर्टेंट लेवल है बड़ा वाला वो 46600 का एरिया है और उसके पहले 47,000 का एरिया है। इन दोनों लेवल पर आप वेट एंड वॉच करके देखिएगा। इनिशियली अगर खुलते के साथ 47,200 ब्रेक कर रहे हैं तो 200-300 पॉइंट तो इजीली जगह मिल रही है सेल के लिए, जा सकते हैं और अपने SL को ट्रेल करते रहिएगा, प्रॉफिट SL को, क्योंकि आप सेकंड सेल ले रहे हो। अपर लेवल से जो हमने सेल दिया था उसमें भी हमने ट्रेल कराया था, उसमें नहीं भी करते तो काम चल जाता, लेकिन अभी आप इस जोन में है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल ट्रेल करके ही चलना है, क्योंकि ट्रेल करके नहीं चलेंगे तो मे बी कहीं से भी आप स्टक हो सकते हैं। अब बात करेंगे उसकी जिसकी कल एक्सपायरी है, वो है फाइनेंस निफ्टी। फाइनेंस निफ्टी ने भी कोई खास जो गिरावट दिखाई नहीं है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी के अकॉर्डिंग ही गिरी है, हालांकि निफ्टी से भी कम गिरी है। तो एक्सपेक्टेड है कि कल एक एक्सपायरी में रिवर्सल मिलना चाहिए। रेजिस्टेंस होगा 2980 का, सपोर्ट होगा दोस्तों 2700 का।
अगर सुबह सुबह खुलते ही थोड़ी मोड़ी गिरावट आ गई और अगेन कोई लो नहीं बने, तो समझिएगा कि जो बड़ा ट्रेड मिलेगा वो ऊपर लॉन्ग करके मिलेगा। फिलहाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है जो कि 2820 का है। ये जैसे ही कल 2800 ब्रेक करेगा तो यहाँ से प्रेशर माउंट होता हुआ दिखाई देगा, उस कंडीशन में सेल जा सकते हैं। महत्वपूर्ण जो लेवल है वो 2500 पे है, यानी यहाँ से 300 पॉइंट दूर। अगर इसने पलट के सीधे और ब्रेक कर दिया 2900 सेकंड सेशन में, तो आप समझिएगा कि 100 पॉइंट की शानदार मूव दिखाई देगी, जो कि एक्सपायरी के लिए बिल्कुल किलर मूव देगी कॉल के लिए, ठीक है। क्योंकि पुट में उस हिसाब से यहाँ भी इजाफा नहीं हुआ, इतने पॉइंट गिरने के बाद भी जस्ट पुटे जो हैं सिर्फ और सिर्फ डबल हुई हैं, जबकि 150-160% का प्रीमियम गेन बनता था, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम कुछ था नहीं, वो भी पुट साइड में। जब आप इतना गिरे हुए हैं, पुट की प्रीमियम सारी ख़त्म है, और उसके बावजूद अगर आप इतनी सॉलिड गिरावट लेते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि कोई कंट्रोल वे में गिरा रहा है मार्केट को, कोई रोक रहा है बार बार गिरने से, और इसलिए पुट की जो प्रीमियम थी ना उस रिस्क रिवॉर्ड से बढ़ नहीं रही थी। इसलिए हमने जो निफ्टी में सेल भी दिया था फ्यूचर के थ्रू दिया था, ऑप्शन के थ्रू इसीलिए नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे टाइम डैमेज हो सकता था। इसलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू लेवल स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ही आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ स्टॉक्स की। तो पहला जो स्टॉक है टाटा केमिकल, कल लाइव सेशन में भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे बाइंग के लिए। क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि भाई जब स्टॉक 2-3 दिन में 30% भाग गया तो अब क्यों बाई करना है। देखिए स्टॉक कहाँ पे आ गया, सीधे गैप डाउन खुला, और अगर इसने 1140 का लेवल ब्रेक कर दिया, ध्यान से लेवल को नोट कर लीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। 1140 ब्रेक कर दिया तो समझिएगा कि गया स्टॉक ये फिर से नीचे। 1140 नहीं ब्रेक किया, रिवर्सल मारता है तो लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं। अनदर जो स्टॉक है दोस्तों कोटक बैंक, ऊपर नजर रखनी है। अगर बाजार में रिवर्सल आता है तो बैंक में जो चलने वाला स्टॉक होगा वो कोटक बैंक होगा, क्योंकि 1650 का लेवल इसने बखूबी होल्ड किया है। अनदर जो स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिसकी चर्चा आज हमने टेलीग्राम पे भी की थी, और क्लियरली जिस दिन से न्यूज आई है कि निफ्टी में शामिल हो रहा है, एक ही मैसेज है, जब तक ये निफ्टी में शामिल ना हो जाए, एंट्री ना ले ले, तब तक सेल मत कीजिएगा। किसी भी लेवल से लॉन्ग लिस्ट हो सकते हैं, और देखिए अगेन जो है ब्रेकआउट लेवल पे आके बैठ गया। जैसे ये 2500 का लेवल तोड़ेगा एक शानदार जानदार जो मूव दिखाई देगी, सो उस मूव का वेट कीजिए, एंड आई विश कि आप लोग उस मूव को कैच करें। अब आइए चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे, सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी का सबसे पहले दोस्तों टोटल वाई देख लेते हैं यहाँ पे, तो 17 लाख के करीब दोस्तों टोटल कॉल सेलर हैं, एंड 12 लाख के करीब टोटल जो है पुट सेलर है। ये डेटा काफी मार्केट जो है गिरने के बाद आया हुआ है, 0.72% की जब गिरावट हो गई है। हालांकि ये व्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं। आईटीएम पे नजर डालते हैं तो कॉल राइटिंग दिख रही है, ओटीएम पे पुट राइटिंग, पुट के लॉन्ग भी कवर हुए हैं। जहाँ से मैक्स पोजिशन बनी है वो है 21,000, वहां से कंटिन्यू कॉल राइटिंग दिख रही है। सो कॉल राइटर काफी एक्टिव हैं, हाईली एक्टिव हैं। पुट की बाइंग देखिए ओटीएम तक जा रही है, 21,900 तक जा रही है, और यहाँ पे अंदर भी जो है पुट की बाइंग दिख रही है। ह्यूज वाई है दोस्तों जो कि डिसाइड करेगा वो है 2500 का लेवल, जो कि यहाँ से काफी दूर है सीएमपी से 168, और पुट के साइड में देखेंगे तो 2400। हालांकि ये लेवल आप ब्रेक कर चुके हैं, तो एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा लेवल है 2300 गया तो समझिएगा कि काफी दिक्कत होगी बाजार के लिए, क्योंकि इसके बाद सीधे देखिए 22,000 पे ही बड़ा लेवल अवेलेबल है। 200 वाला लेवल भी बहुत कोई खास नहीं दिख रहा है, अगर पुट सेलर आ गया तो होल्ड कर लेगा, अदरवाइज वो टूट सकता है। सो इसीलिए मार्केट थोड़ा सा जो है विंडो फेज में मूव कर रहा है, और इस लेवल को ऊपर आराम से देख के ट्रेड करना होगा, आइदर साइड बड़ी मूव पकड़ में आ सकती है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे आईटीएम पे कोई खास कंक्लूजन दिखाई नहीं दे रहा है, और पुट साइड में देखेंगे तो राइटिंग ही है। यहाँ पे देखिए कॉल में तो कोई बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं है, कॉल के लॉन्ग कवर हुए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 46,400 तक। राइटिंग जो आपकी स्टार्ट हुई है 46,500 से स्टार्ट हुई है और दूर तक चली है, यानी कि हर स्ट्राइक पर राइटिंग और बाद में बाइंग है बिल्कुल ओटीएम पे। ये कम्प्लीटली जो है प्रीमियम को हैज किया गया है सिर्फ उसके बैलेंस करने के लिए, प्रीमियम को घटाने के लिए। पुट की बाइंग भी है, शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी है, और बाइंग यहाँ भी ओटीएम तक हो रखी है 46,200 तक, यानी कि जहाँ से कॉल राइटिंग है वहाँ से जो है पुट बाइंग भी है। सो डेटा धोखे वाला नहीं है, 37 लाख जो है कॉल सेलर हैं, 25 लाख जो है पुट सेलर हैं। सो ह्यूज डिफरेंस है कॉल एंड पुट के बीच में, तो अगर मूव यहाँ पे आनी है तो उसको थोड़ा सा जो है सस्टेनेबल मूव लेके आनी पड़ेगी, अदरवाइज वो मूव होल्ड नहीं करेगी। 47,500 पे देखिए तो 157 टोटल जो है कॉल सेलर है। पुट साइड में अगर हम नजर डालें तो 47,000 पे ही उम्दा लेवल अवेलेबल है, तो अगर कोई
गिरावट यहाँ से आती है 300 ब्रेक हो जाता है इनके जो कि जस्ट अप उसके आसपास क्लोज हुए, तो 47,000 तक आप इजीली स्लिप कर सकते हैं। अब जो रिवर्सल पॉइंट मिलेगा 47,000 पे ही नजर डालेंगे, बीच में कहीं हाथ नहीं डालेंगे, 200-300 पॉइंट जो है गिरने के बाद ही हाथ डालेंगे, ये यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट है। और जो बड़ा रिवर्सल मिलेगा वो 47,500 के टूटते ही मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। तो आइदर रिवर्सल देखना है तो 47,000 से देखना है अगर 300 ब्रेक हो गया, अदरवाइज 47,300 नहीं ब्रेक हुआ तो ऊपर जाने के बाद 520-550 को ब्रेक होने के बाद ही रिवर्सल की उम्मीद करनी है, अदरवाइज मार्केट 300 से 500 जाके और 47,500 से सेलिंग लेके आ सकता है। सो थोड़ा सा ध्यान से काम करेंगे। कल का फर्स्ट सेशन तो वीक दिख रहा है, कल के फर्स्ट सेशन में मूव मिलेगी शेल की तो कीजिएगा, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कीजिएगा, वहाँ पे थोड़ा बिल्कुल स्ट्रांग टाइप से होल्ड नहीं करना है बिना डरे हुए, थोड़ा सा डर को लेके साथ में चलना है, अदरवाइज हमें वहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं प्रॉफिट की जगह पे। ऑलरेडी हमने टॉप शेल जो है एनालाइज करके आप लोगों को दिया था, उम्मीद है कि हेल्प हुई होगी। आगे ऐसी हेल्प के लिए लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़िएगा, अगर आप नहीं जुड़े हैं @NiftyYDA सर्च कीजिए जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।